आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो हियर इन दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन है, साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइज। ओके, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एनी सिक्स रीजन। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो किसी एंटरप्राइज से की सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इस स्टेटमेंट को हमें कोई 6 रीजन देके यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअली होती क्या, ये डिटरमाइन करती है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग, उसकी पॉलिसीज, उसके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या 6 रीजन होंगे। पहला देखेंगे, पहला ये होता है, हेल्प्स टू फेस, हेल्प्स टू फेस द eventualities, helps to face the eventualities. It means कि जो अच्छी financial planning होती है वो forecast कर लेती है जो भी future में business situations बनने वाले हैं, जिससे कि एक alternative financial plan को prepare करने में काफ़ी ज़्यादा help मिल जाती है। Okay, जिससे कि eventual situations में इसको जो है अगर कोई problem होती भी है तो उसे tackle किया जा सके। Next देखते हैं, helps in avoiding, helps in avoiding business shocks and business shock and surprises. Okay, तो जो प्रॉपर रिवीजन होती है रिगार्डिंग शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ फंड, जो कि फ्यूचर रिसिट या पेमेंट को देखते हुए एंटिसिपेट की जाती है, बनाई जाती है। ओके, इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है बिजनेस को कि फ्यूचर में जो शॉक या सरप्राइज हो उसको अवॉइड किया जा सके। ओके, थर्ड देख लेते हैं, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। ओके, तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग जो है हमेशा हेल्प करती है कि जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है उनको कोऑर्डिनेट करने में। लाइक बिजनेस एक्टिविटीज जैसे सेल्स हो गया, परचेज हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो ये सारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फोर्थ देख लेते हैं यहाँ पे, हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। ओके, तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन हम इमेजिन कर लेते हैं कि जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग है ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग अब्सेंट होता है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस होती है वहाँ उनकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। इससे होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, ओके, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे बिजनेस ऑपरेशन जहाँ पर अंडर एस्टिमेशन या ओवर एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस हो जाता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑपरेशन के लिए, तो इस तरह के जो टाइप ऑफ वेस्टेजेस होते हैं, इस तरह के टाइप ऑफ वेस्टेजेस, इनको अवॉइड करने के लिए एक साउंड प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। देन हम फिफ्थ देख लेते हैं, हेल्प्स टू लिंक द प्रेजेंट विथ द फ्यूचर, लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। ओके, विद द फ्यूचर, नो डाउट ये हमेशा इट मेक्स एफर्ट। ओके, इससे बहुत ज्यादा एफर्ट, इट मेक्स एफर्ट टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। ओके, ऐसा करके जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है हमेशा हेल्प करता है रिस्क, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के जो रिस्क होते हैं उनको मिनिमाइज करने में। सिक्स्थ देख लेते हैं, हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। ओके,
तो अच्छी जो साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग होती है हमेशा हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर फंड्स रिक्वायर्ड है और कहाँ पर रिक्वायर्ड फंड्स अवेलेबल हैं। तो इस अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग में जो मिक्स ऑफ शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल होता है वो इस मैनर में बनाया जाता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है टू द मिनिमम। सो दिस इज द आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।